जय जोहर संगवारी हो, मैं अमितेश सोनी अपने YouTube चैनल अमितेश ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी चल रहा है नवरात्रि का महोत्सव और नवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आज आपको लेकर आ चुका हूँ बस्तर में मनाए जाने वाला दशहरा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप लोग मेरे पीछे में ही देख सकते हैं, यहाँ पे है दंतेश्वरी माता का मंदिर। नवरात्रि का 8वां दिन है, जी हाँ अष्टमी का दिन है और आज काफ़ी से यहाँ पे आप लोग माहौल देख सकते हैं, यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस्तर अपनी संस्कृति और परंपराओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की जनजातियाँ व अनेक प्रकार के भाषाएँ भी हैं। बस्तर में एक और चीज़ भी है जो काफ़ी विख्यात है, वो है बस्तर के राजा। बस्तर के राजा की कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे विराजमान दंतेश्वरी माता मंदिर व यहाँ के पैलेस के बारे में। आज आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ राजमहल व दंतेश्वरी माता मंदिर की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। महल के मुख्य द्वार के दाहिने हाथ की ओर ही स्थित है दंतेश्वरी माता रानी का भव्य मंदिर, जहाँ पे श्रद्धालुओं गण की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और सभी मिलकर माता रानी की स्तुति किया करते हैं। माँ दंतेश्वरी मंदिर के बगल भवन में प्रथम तल पर स्थित है ज्योति कलश भवन, जिस जगह पर चैत नवरात्र व क्वार नवरात्र में माता रानी की जोत जलाई जाती है। जैसे ही हम माँ दंतेश्वरी के दर्शन करके बाहर की ओर निकलते हैं, तो बाएं ओर ही 200 मीटर की दूरी पे स्थित राजमहल, जिसे बस्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण बस्तर के राजा प्रवीण चंद भंज देव के वंशजों ने करवाया था, जहाँ वो अपने राज फैमिली के साथ रहा करते हैं। राजमहल के पिछले हिस्से में ही स्थित है एक कक्ष, जिस कक्ष में महाराजा प्रवीण चंद भंज देव की तस्वीर साथ ही उनकी राजगद्दी भी रखी हुई है। वह इस जगह पे दोस्तों आप लोगों को ऐतिहासिक अवशेष भी देखने को मिलेंगे। यूं तो बस्तर की संस्कृति और परंपरा की अलग ही छटा देखने को मिलती है, परंतु एक और चीज़ भी है जो बस्तर की सबसे ज़्यादा खास है, वो है यहाँ मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा महोत्सव, जो कि लगातार 75 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए राज्य से नहीं, देश से नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर से लोग बस्तर दशहरा देखने के लिए यहाँ आया करते हैं, जहाँ बस्तर के नाना प्रकार के परंपराएं, वेशभूषाएं, नृत्य, संगीत आदि कुछ देखने के लिए मिलता है। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले इस महोत्सव में
हर दिन की एक अलग ही बात होती है, जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो मेरी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। जैसे ही हम राजमहल से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे चलकर ही 200 मीटर की दूरी पे स्थित है सिरहासार भवन, जहाँ पे जोगी बिठाए जाने का कार्य किया जाता है। जोगी एक खलबा जाति का युवक है, जो कि सिरहासार भवन में गड्ढे पे बैठकर मां दंतेश्वरी की 7 दिन तक उपवास रखकर पूजा अर्चना करता है, ताकि बस्तर दशहरे का जो महोत्सव है वो निर्विघ्न रूप से सफलपूर्वक पूर्ण हो सके। सिरहासार भवन के सामने में ही स्थित है मावली माता का मंदिर, जो कि दंतेश्वरी माता का ही एक रूप है, जहां बस्तर दशहरे पे बस्तर के राजा द्वारा यहां पे पूजा अर्चना की जाती है। मावली माता के मंदिर के बाहिने तरफ ही स्थित है जगन्नाथ जी स्वामी का मंदिर। मावली माता के बाहिने तरफ ही स्थित है कंकाली माता का मंदिर। वह कंकाली माता मंदिर के बगल में ही स्थित है कालानाग पाटदेव बाबा।